हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल नेगी रिचा ब्लॉगर में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और बड़े होंगे। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं मॉर्निंग की 7 बजे से। आज में बारिश बहुत ज़्यादा लगने वाली है। मौसम देख सकते हो पूरा ख़राब हो रहा है। तो देख सकते हो दोस्तों, आज का मौसम बिल्कुल भी ख़राब हो रखा है। देख सकते पूरे ओली पड़ गए हैं इधर पर भी, और इधर तो हम लोगों ने बहुत ऊपर जाना। ये हमारा गांव रहा, तो अभी तो बहुत ऊपर जाना है हमने। जो पेड़ है ना, इनसे पीछे जाना है। ये ना हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मतलब हर चीज़ के लिए यार। ये दवाई एक जगह तो इनको भी ना ढूंढने में मतलब इसका मतलब ये है कि कौन से उसको काटना है। जैसे मतलब आप लोग को बता दूँ, इनको नहीं काटना है। ये देख सकते हो इनको, हाँ ये देखो, जो कच्चे कच्चे हैं ना अभी, मतलब जो नए उनको नहीं काटना है। जैसे पुराने पुराने हो गए, आप लोग को बता दूँ मैं कि इनको काटना पड़ता है। इनको काटना पड़ता है जैसे मोटे में, तो यहाँ पर से काटना पड़ता है इनको। तो इनको जैसी मतलब इतनी आफत आती है, इनको भी काटें। जैसे कीड़ा जड़ी को ढूंढने में आफत आती है ना, वैसे इनको काटने में बहुत ज़्यादा आफत आती है। तो ये भी एक हिमालयी जड़ी बूटी है, जो पहाड़ों में ठंडे इलाकों में ज़्यादातर होती है ये चीज़ें, क्योंकि बारिश भी बहुत ज़्यादा लगी है। और खेत में ना ये कुटकी लगाने मैंने ना अभी लगाए थे, थोड़ा बहुत ही देख सकते हो यहाँ पर अभी लगाए, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा आ गई, बहुत ज़्यादा। ओ माय गॉड, छाता भी डालना, मुझे छाता सोच चाहिए मुझे, क्योंकि और कोई भी नहीं दिख रहा इधर ना, अकेला गई सर। पता इस साइड पर पूरा, इस साइड पता आप लोगों को पूरा सुनसान, जैसे एकदम पूरा सुनसान यार, मतलब कोई नहीं रहा। देख सकते हो इधर पूरा, इधर से भी जंगल, इधर से भी पूरा जंगल है। बीच में हमारा खेत है, पर इधर पे ना लोग रहते, इधर ना इस साइड मतलब ना ही घर वगैरह कुछ नहीं है। तो यहाँ मुझे ना डर जैसा भी लग रहा है थोड़ा बहुत अकेला। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो बारिश लगी है ना, मतलब एक पन्नी होती है ना, लेकिन हम लोग पन्नी लेके नहीं आए खेत पे, बारिश बहुत ज़्यादा लगी। मैं तो पूरी भीग गई यार दोस्तों, चला भी नहीं जा रहा है अभी ना, थोड़ा बहुत हो रहा है। तो मैं ना पहले इनको लगा लेती हूँ, देखो बारिश में लगाती हूँ मैं। मैंने छाता तो पकड़ूँ या काम तो करूँ, मैं ना सर नहीं भिगा रही, पूरी भीग कपड़े तो मेरे पूरी भीग गए। हाँ मैं इसलिए नहीं भिगाना चाह रही ना, क्योंकि सर दर्द होता है। तो सकते हो यहाँ पे ना पूरा खाली है ना, यहाँ पे भी लगाना पड़ता है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं भीग भी गई यार, आपको समझ नहीं आ रहा मैं भीगूँ या नहीं भीगूँ यार। हाँ आधा दिन अगर हुआ पानी होने दे, आबाद होनी है। यो आ गया लगो तो होत है। तो उसे मैंने लगा दिया थोड़ा बहुत देर तक, इतनी ज़्यादा बारिश लगी हम लोग को तो घर जाना ही फायदा है ना, कि तबीयत खराब हो जाएगी। मम्मी क्या क्या जा रहा है, मम्मी की तो लगे काम पे, काम करो काम करो। हाँ। तो जा रही घर, मैं तो वीडियो बना दिन भर। इतनी ज़्यादा भीग गई ना कसम से, देख सकते हो ये देखो पूरा सलवार भीग के की तो ऐसी हालत हो गई। हाँ तो क्या करना, ठीक गई दोस्तों। मैं लगा तो नहीं रही, मैं घर जा रही हूँ। बहुत ठीक गई हालत, ऐसी खराब 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 यार, घर का काम कभी नहीं करना चाहिए। अच्छी कहाँ पे लगा बोल बाबा, न्यू पता था छाता था मुन्ना मुन्ना के निकालियो बाबा, सदा भी हमने बदन पी नहीं लिया रो तत्ते तो मुन मंडा ते गाल जोकेट जोकेट जो 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 कि तो होते मुन का पहन उन हुए ओ जी। तो दोस्तों अभी देखो कि मैंने टोपी पहन लिया, छाता उधर फेंक गया, नहीं तो काम भी नहीं हो रहा था। अब मैं वहाँ काम कर लेती हूँ। दोस्तों फाइनली हम लोग ने खेत का काम भी कर लिया है, और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है आप लोगों को पता होगा। ये देखो बारिश इतनी भीग गई, अभी तो मैंने टोपी पहनी है थोड़ा सर बचाने के लिए, और बारिश बहुत ज़्यादा लगी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर के लिए, क्योंकि अब खेत में काम तो हो नहीं पाएगा इतनी बारिश में। देख सकते हो पूरा ही ख़राब है, और मैं घर भी पहुँच गई हूँ। और अभी देख सकते बारिश, देखो कैसी बारिश आ रही है, अभी बहुत ज़्यादा बारिश लगी है। तो अब तो मैं पहुँच गई, अब करते हैं आज के ब्लॉग की एंडिंग। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना दोस्तों, ठीक है।